Hello, everybody. I hope all of you are doing very well. Let's start practice test 7 Urdu translation. So, question number 1 Who opens the new parliamentary session each year? Every year is parliamentary session? A. The Archbishop of Canterbury. Archbishop? B. The Prime Minister. C. The Speaker of the House of Commons. House of Commons speaker. D. The monarch. या उस वक्त का हाक में वक्त मलका या बादशाह तो इसका सही जवाब है डी द मोनाक क्वेश्चन नंबर टू इज द स्टेटमेंट ग्लोल्स नीचे दी गए स्टेटमेंट सही है या गलत ड्यूरिंग द एटीन सेंचुरी रेडिकल न्यू आइडिया अबैट पॉलिटिक्स फिलोसफी एंड साइंस व डिवेलप्ड कॉल द इनलाइटनमेंट कहते हैं अट्ठारहवीं सदी में नए जदीद आइडिया डिवेलप हुए सियासत में फिलसफी में और साइंस में जिसको इनलाइटनमेंट के नाम से याद किया जाता है क्या ये स्टेटमेंट सही है तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट इट्स ट्रू क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स नीचे देखा स्टेटमेंट सही है या गलत द यूके हैज अ डिक्लाइनिंग एल्डरली पॉपुलेशन कि यूके की जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बड़ी जल्दी से खत्म हो रहे हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यूके में लोग बड़ी जल्दी से एजिंग पॉपुलेशन है और, और बड़े अरसे तक जिंदा रह रहे हैं सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर फोर वट टू वैल्यूज आर अपहेल्ड बाय द कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज कहते हैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज जो है वो कौन सी दो इकदार हैं जिसको वो बाकी रखे हुए हैं या अपहेल्ड करते हैं ए डेमोक्रेसी बी कम्युनिज्म सी वायलेंस डी रूल ऑफ लॉ आपको दो बतानी है तो वो है ए डेमोक्रेसी एंड बी रूल ऑफ लॉ Question number five Which of the following statements is correct? <laughs> Halloween is a modern American festival that has recently become popular in the UK. Halloween is <laughs> a American festival that has <laughs> recently become popular in the UK. What is this statement? Halloween has its roots in an ancient pagan festival marking the beginning of winter. Halloween is a journey. कदीम पैगन फेस्टिवल से जाके मिलती हैं जो कि सर्दियों के आगाज में मनाया जाता है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है तो उसका सही जवाब है बी क्वेश्चन नंबर सिक्स विच टू ऑफ द फॉलोइंग वर फेमस विक्टोरियंस कहते हैं कि इन चार में से बताइए कि कौन से दो मशहूर विक्टोरियन थे मतलब विक्टोरिया के जमाने में मशहूर लोग थे ए इसम्बार्ड किंगडम ब्रूनो बी मार्गरेट थेशर सी डालन थॉमस डी फ्लोरेंस नाइट तो इसका सही जवाब है ए एंड डी क्वेश्चन नंबर सेवन डस ग्रेट ब्रिटेन रेफर टू कहते हैं कौन सी कंट्रीज ग्रेट ब्रिटेन रेफर करता है मतलब ग्रेट ब्रिटेन से मुराद कौन सी तीन कंट्रीज हैं इन अदर वर्ड्स ए जस्ट इंग्लैंड बी इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स सी इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड या डी इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयलैंड तो इसका सही जवाब है बी इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स साइड नोट पे याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन का मतलब सिर्फ इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स है और यूके का जो ऑफिशियल नाम है वो है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आईलैंड ये पूरा नाम है एंड नॉर्दर्न आईलैंड आता है और ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स है क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट ब्लो ट्रू और फॉल्स नीचे देखिए स्टेटमेंट सही है या गलत फोर्सिंग एन अदर पर्सन टू मैरी एज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन द यूके किसी दूसरे शख्स को शादी के लिए जबरदस्ती करना जुर्म है यूके के अंदर तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है

वट टू इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द रिफॉर्म एक्ट ऑफ एटीन थर्टी टू कहते हैं अठारह सो बत्तीस का जो रिफॉर्म एक्ट है उसके कौन से दो अहम पहलू हैं इन चार में से ए इट ड्रीज द पावर ऑफ द मोनाक इसने जो है हाकिम की जो पावर थी मतलब रूल की वो कम कर दी या बी इट इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु कूड वोट या इसने वोट देने वाले लोगों की तादाद बढ़ा दी इस एक्ट ने या सी इट एबॉलिश रोटन बारास जो भी जहां पे कम वोटर्स थे उसकी उस, उन बारास को खत्म कर, कर दिया तो उसको कहते हैं रोटन बारास ये था ये डी इट गेव वुमेन टू वोट या इसने औरतों को वोट का हक दिया तो इसका जो सही जवाब है हमें दो जवाब बताने हैं तो इसका सही जवाब है बी एंड सी इट इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु क्वेश्चन नंबर अलेवन स्टेटमेंट ब्लो ट्रू और फॉल्स नीचे दिखाई स्टेटमेंट सही है या गलत Emmeline Pankhurst is a famous for her leadership of the campaign to give women the vote in parliamentary election in the UK. कहते हैं Emmeline Pankhurst मशहूर थी अपनी नुमाइंदगी की वजह से उस तहरीक की कि जिसने औरतों को पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर वोट का हक दिलाने की जदोजहद की तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एमलिन पैंकहर्स्ट ने इस पूरी जो तहरीक है उसका नाम था सफरेज और इसकी जो तहरीक के मेंबर्स हैं उनका नाम था सफरेजेट्स सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच टू पीपल आर फेमस यूके स्पोर्ट्स स्टार कहते हैं इन चार में से कौन से दो मशहूर यूके के खिलाड़ी हैं ए सर क्रिस होय बी डेम कैली होम्स सी फर्ड डी जेन ऑस्टेन तो इसका सही जवाब है ए एंड बी सर क्रिस जो है वो हैं स्कॉटिश साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने छह मरतबा गोल्ड मेडल जीता है और एक मरतबा सिल्वर ओलंपिक uh, मेडल जीता है और डेम कैली होम्स दौड़ने वाली हैं रनर हैं जिन्होंने क्या कहते हैं दो मरतबा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स डिड द रॉम स्टे इन द कंट्री कहते हैं इस कंट्री में न, फली अंदाजन कितने साल रोम uh, रहे हैं ए फिफ्टी ईयर्स क्या पचास साल रहे बी हंड्रेड ईयर्स सी फोर हंड्रेड ईयर बी सिक्स हंड्रेड ईयर्सर इज सी फोर हंड्रेड ईयर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड थ्रू सिम कॉल्ड फर्स्ट पास सपोज कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इस तरह चुनाव होता है कि एक सिस्टम के जरिए तरीके के जरिए जिसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट यानी जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा या बी एम पी आर इलेक्टेड थ्रू सिस्टम कॉल्ड द विनर्स विनर टेक्स इट ऑल कि ये एमपी उस तरीके से चुनाव किए जाते हैं कि जिस सिस्टम को कहते हैं कि जो जीतेगा वो सब ले जाएगा तो सही जवाब है ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इस स्टेटमेंट बोलो ट्रू ऑफ फॉल्स नीचे दिया स्टेटमेंट सही है या गलत द फोर्टी डेज बिफोर ईस्टर आर नोन एज लेंट कहते हैं चालीस दिन ईस्टर से पहले लेंट के नाम से याद किए जाते हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि चालीस दिन पहले ये समझे एक तरह से रिफ्लेक्शन होती है उनकी ईस्टर की प्रेपरेशन के लिए इस दिन ट्रेडिशनली लोग जो है रोजा रखते थे इसमें चैरिटी करते हैं सो नीचे सही है या गलत the swinging 60s is associated with the 1860s. कहते हैं जो का जमाना है वो 1860 से मुंसलिक है तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वो 1960 से है अगर यही सवाल आए और उसमें कहे कि स्विंगिंग स्विंगीज इज एसोसिएटेड विद्सटीज तो फिर ये सही हो जाएगा लेकिन इस वक्त ये फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 17, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर आउटडोर म्यूजिक फेस्टिवल्स कहते हैं इन चार में से कौन से दो बाहर मतलब ओपन स्पेस में आ, बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स हैं ए क्या उनका उसका नाम रॉयल स्कॉट है बी आइल ऑफ वेट फेस्टिवल है सी हॉक मनी है या डी ग्लास्टनबेरी है आपको पिछले टेस्ट से पता है कि रॉयल स्कॉट जो है वो घुड़सवारी का इवेंट है आइल ऑफ वेट फेस्टिवल यस दैट्स अ करेक्ट आंसर सी हॉक मनी जो है वो स्कॉटलैंड में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन को कहते हैं तो ये भी नहीं है तो डी ग्लास्टनबरी है बी एंड डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन वेयर डिड द वाइकिंग्स कम फ्रॉम कहते हैं वाइकिंग कहां से आए थे ए जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया से बी बेल्जियम एंड हॉलैंड से या सी डेनमार्क एंड नॉर्वे से या सी फ्रांस एंड लक्जमबर्ग से तो इसका सही जवाब है सी डेनमार्क एंड नॉर्वे से क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सही है शेख दीन मोहम्मद इज फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग टी ड्रिंकिंग एंड बांग्लोज टू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया कहते हैं शेख दीन मोहम्मद इसलिए मशहूर है कि उसने मुतारिफ कराया था चाय और घर वाले जो बंगले होते हैं वो बर्तानिया में इंडिया से आकर या बी शेख डी मोहम्मद इंट्रोड्यूस करी हाउसेज एंड शैम्पूइंग टू ब्रिटेन और शैम्पू कैसे करना है बी क्वेश्चन नंबर आर इंक्लूडेड इन द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट कहते हैं कौन से दो उसूल हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में यूरोपियन कन्वेंशन में हैं इन uh, चार में से दो आपको बताने हैं कि ह्यूमन राइट्स से मुतालिक यूरोपियन कन्वेंशन जो है उसमें दो अहम प्रिंसिपल्स हैं दो उसूल हैं वो कौन से हैं ए प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स लेबर के किसी किस्म की आपको गुलामी और जबरदस्ती किस्म का काम आपसे नहीं लिया जाएगा बी फ्रीडम ऑफ थॉट कॉन्शियस एंड रिलीजन कि आपको सोच की आजादी है आपकी जमीर की आजादी है और आपकी मजहब की आजादी है ये है या सी द राइट टू यूज वायलेंस इफ यू थिंक इट्स नेसेसरी आपका हक है कि आप दंगा फसाद करें कुटाई करें जब आप सोचें कि यह जरूरी है ये डी फ्रीडम टू लीव वर्क अर्ली एवरी फ्राइडे आपको इस चीज की आजादी है कि आप काम जल्दी छोड़ दें हर फ्राइडे को तो इसका जो सही जवाब है वो है ए एंड बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सेंट एंड्रयू इज अ पेट्रन सेंट ऑफ विच कंट्री कहते हैं चार में से किस कंट्री का जो पेटर्न सेंट है उसका नाम सेंट एंड्रयू है क्या वो इंग्लैंड का है बी स्कॉटलैंड का है सी वेल्स का है या डी नॉर्दर्न आयरलैंड का है तो इसका सही जवाब है बी स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड का जो से, पेटर्न सेंट है उनका नाम सेंट एंड्रय है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज अंग स्टेटमेंट थ्रू अर फॉल्समेंट सही है या गलत देर इज नो प्लेस इन ब्रिटिश सोसाइटी फॉर एक्सट्रीमिज्म और इन कहते हैं कि برطانیہ की जो माရှိ जिंदगी है माशराती जिंदगी है उसके अंदर अह intahap को और ना बर्दाश्त की कोई जगह नहीं है तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इट्स ट्रू क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कहते हैं इन दो में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ए द पब्लिक कैन अटेंड डिबेट्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं कि आम लोग जो भी बहसें होती हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में वो उसको जाके सुन सकते हैं या बी नो मेंबर ऑफ ऑफ द द पब्लिक इज अलाउड टू अटेंड डिबेट्स इन हाउस किसी भी शख्स को आम शख्स को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो हाउस ऑफ कॉमन में जाके बहसें सुन सके तो इसका जो सही जवाब है वो है ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर बाय ज्वाइनिंग अ पोलिटिकल पार्टी वट टू एक्टिविटीज माइट यू बी इन्वॉल्व इन कहते हैं जब आप कोई पोलिटिकल पार्टी सियासी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कौन सी दो ऐसी सरगर्मियां है, हैं एक्टिविटीज हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं या रह सकते हैं ए वायलेंट क्लैशेस विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज दंगा फसाद और लड़ाई कुटाई बाकी दूसरी सियासी जमातों के साथ या बी ज्वाइनिंग योर एम पी फॉर सेशन इन द हाउस ऑफ कॉमन या आप जो है जो आप एम पी को जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ जाके हाउस ऑफ कॉमन के अंदर जो सेशन होता है उसको उसको आप अटेंड कर सकते हैं उसके साथ जा सकते हैं सी हैंडिंग आउट लीफलेट्स इन द स्ट्रीट या आप ये करेंगे जो लीफलेट होंगे वो जाके आ, सड़कों पे जाके बांटेंगे डी नॉकिंग ऑन पीपल्स डोर एंड आस्किंग फॉर सपोर्ट लोगों के घरों को जाके बज, मतलब दरवाजा बजा के उन लोगों की उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपकी जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया उसको सपोर्ट करें तो उसका जो सही जवाब है वो है सी एंड डी इस तरह आज हमारा टेस्ट नंबर प्रैक्टिस टेस्ट सेवन कंप्लीट हुआ सो आई आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज अगर आपको ये पसंद आया तो इसको जरूर लाइक भी कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर छोड़िएगा और बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो उसका फायदा आप ही को है वो ये है कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी वो आपके पास अलर्ट uh, में आ जाएगी और आप उसको स्टेडवाइज सुन सकेंगे तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो ऑल द बेस्ट एंड लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस प्रैक्टिस टेस्ट थैंक यू